इस वीडियो में हम करेंगे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का वीडियो कैमरा टेस्ट। अगर आप किसी भी तरीके का कंटेंट क्रिएशन या वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे हो एंड प्लान कर रहे हो कि इन नोट 1 ले लेता हूँ, तो आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। हमने इसे डे लाइट पर भी टेस्ट किया, नाइट में भी, इसका स्लो मोशन, इसका टाइम लैप्स, तो जो भी फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं सभी का सैम्पल इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कंक्लूजन के लिए जरूर वेट करना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ना अगर आप छोटी स्क्रीन में देख रहे हो आपको आइडिया नहीं लगेगा, बट क्योंकि मैंने इसे पीसी में ट्रांसफर किया है तो मेरे को ज़्यादा पता है कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ज़रूर कंक्लूजन के लिए वेट करना। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 एंड और भी बहुत सारे बजट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन एंड गैजेट्स के वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। एंड अगर आपको इस टाइप का वीडियोस पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को शुरू करते हैं। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का रियर कैमरा 1080p 30fps पर रिकॉर्ड हो रहा है। आउटडोर लाइटिंग कंडीशन है तो सन वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जो मैं व्यू फाइंडर पर देख पा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चौपी सा फ्रेम है, मतलब अटक अटक के चल रहा है, बट ज़्यादा आइडिया तभी लगेगा जब मैं इसे पीसी में डालूंगा। फोकसिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टैप टू फोकस किया है और यहाँ पे भी टैप टू फोकस, तो फोकसिंग इशू लग रहा है। अभी अपना थोड़ा सा ध्यान देना कि स्टेबलाइजेशन वगैरह कैसा है, क्योंकि बिल्कुल जो नॉर्मली चलते हैं वैसे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार यहाँ पे फोकस करके देखते हैं। तो यस, कम्प्लीटली स्ट्रगल कर रहा है फोकसिंग करते वक्त, टैप टू फोकस काम कर रहा है बट जो नॉर्मली ऑटो फोकस होता है ना वो रिलायबल नहीं है या चल नहीं रहा है। एक बार यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे को टच टू फोकस ही करना पड़ा, ऑटो फोकस में थोड़ा सा इश्यूज लग रहा है। डायनेमिक रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल इस बिल्डिंग के सामने सन है, मतलब वर्स्ट तो नहीं है बट बेस्ट भी नहीं है या एवरेज भी नहीं है, मतलब इट्स काम चलाऊ टाइप का डायनेमिक रेंज आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है। किसी किसी सिनेरियो में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है, इसलिए मैं सरप्राइज्ड हूँ। कभी कभी बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर देता है बट कभी कभी बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म करता है। बाकी इसमें आपको किसी भी तरीके का स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलता। एंड ये जो ऑडियो कैप्चर हो रहा है ये भी माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के इंटरनल माइक से ही हो रहा है, तो मतलब मैं चलते चलते बात कर रहा हूँ। इस स्मार्टफोन में आपको 4x डिजिटल जूम मिल जाता है, तो मैं अभी कम्प्लीटली 4x पे हूँ। 2x एंड 1.0। कंक्लूजन के लिए ज़रूर वेट करना, क्योंकि पीसी में डालने के बाद ज़्यादा आइडिया पता लगेगा। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का सेल्फी कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग 720p 30fps पे ये रिकॉर्ड करता है। स्टेबलाइजेशन वगैरह का आइडिया लगाना आप यहाँ पे। एंड जो वॉइस कैप्चर हो रहा है ये भी इसी स्मार्टफोन से हो रहा है। काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं यार लोग कि भाई वॉइस कहाँ से आप कैप्चर कर रहे हो, भाई बात कर ही रहा हूँ तो इसी फ़ोन से कैप्चर होगा ना। एंड यहाँ पे आप डायनेमिक रेंज का टेस्ट कर सकते हैं, जैसे अगर इस एरिया पे आऊँ मेरे को उसने कम्प्लीटली ब्लैकआउट कर दिया, तो डायनेमिक रेंज नॉट द बेस्ट बट मैं बार बार रिपीट करता हूँ किसी सिनेरियो में काफ़ी सही करता है, तो मेरे को लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट से ये ठीक हो सकता है। देखते हैं, देखना इस एरिया में थोड़ा सा डिसेंट है बट यहाँ पे काम तो काफ़ी करना चाहिए। अभी देखते हैं स्टेबलाइजेशन वगैरह कैसा है। एंड ये मैं बिल्कुल वाइड होके बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि हल्का सा क्रॉप इन करके रिकॉर्ड कर रहा है। अभी हम शेडो वाले रीजन पे, वहाँ पे काफ़ी ब्राइट या कह सकते हैं कि ऐसा लाइट जो हार्श था वैसा था, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लाइट है जो भाई अच्छा लगेगा कैमरा को हमारे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, वो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा कैप्चर हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हल्का सा वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, डायनेमिक रेंज सबका इशू यहाँ पे इस साइड पे दिख रहा होगा आपको।
इन नोट वन नाइट वीडियो सैम्पल, ये भी 1080p 30fps पे शूट हो रहा है, तो स्टेबलाइजेशन वगैरह का आइडिया देख सकते हैं। एक लाइट सोर्स है वहाँ पे एंड यहाँ पे कंप्लीट अंधेरा है, मतलब कुछ भी लाइट नहीं है, एक दो लाइट्स वहाँ पे भी है। यह IIT रुड़की का जॉर्जिया है, और जॉर्जिया ही है इसका नाम मेरे हिसाब से। और लॉकडाउन के बाद से देखो ऐसा नहीं लग रहा कि भूत बंगला टाइप का, मेरे को खुद डर लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट सोर्स है तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बट जैसे ही हम थोड़ा सा शेडो वाले रीजन पे जाएंगे या डार्क वाले रीजन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको उसका नाइट वीडियो कैपेबिलिटीज़ का आइडिया लगेगा। इसके अंदर चलूँ क्या, क्या साफ वगैरह हो सकता है, छोड़ो। सेल्फी कैमरा सैम्पल 720p 30fps पे, और ये वाला बिल्डिंग देखना। तो अगर आपको ब्लॉगिंग वगैरह करना है नाइट में तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे कैप्चर होता है। कम्प्लीटली हैंड हेल्ड शॉट है, यहाँ पे मेरा शेडो दिख रहा होगा हैंड का। यहाँ पे हल्का सा लाइट सोर्स है, मैं चलता हूँ यहाँ पे। तो जैसी लाइट आपको मिलता है ना तो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिलेगा, बट जैसे मैं थोड़ा सा डार्क एरिया पे जाऊँगा तो नॉइजी फोटो, यहाँ तक मेरे को दिख रहा है कि काफ़ी नॉइजी फोटो आ रहा है, वीडियो आ रहा है। बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में कि ऑडियो वगैरह कैसा कैप्चर कर रहा है माइक्रोमैक्स इन नोट वन। ओके, अभी आप सबने रिजल्ट देख ही लिया है, मैं अभी अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ। पहला चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि एक वॉश्ड आउट इमेज आपको देखने मिलेगा, ऐसा लगेगा कि एक फिल्टर वाइट, एक लाइट वाइट का फिल्टर आपने इमेज पे डाल रखा है जो, या वीडियो पे डाल रखा है। सेकंड चीज़, आपको ऐसा लगेगा कि ओवर शार्पन कर रखा है बट डिटेल्स फिर भी नहीं है। अगर आप किसी भी फ्रेम को पॉज करोगे एंड देखोगे ना, हल्का सा भी डिटेल आपको नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि सॉफ्ट सा इमेज है एंड उसे ओवर शार्पन किया गया है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लुक आपको देता है। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो यार उसमें डायनेमिक रेंज का हल्का सा इशू है, बट ओवरऑल सेल्फी कैमरा थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है रियर कैमरा से अगर आप वीडियो शूट करोगे तो। बट स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करो ना, जबकि इसमें EIS वगैरह नहीं देखना मिलता, इस प्राइस रेंज में जो भी स्मार्टफोन मिलते हैं, Redmi 9 Prime हो गया या फिर Narzo 20 या फिर Poco M2, उन सब के ऑन पार है, उन सब में EIS मिलता है, बट ये बिना EIS में भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली जिटरी मोशन आपको देखने को मिल रहा है। नाइट परफॉर्मेंस मैं सजेस्ट करूंगा रियर कैमरा यूज़ मत करना नाइट में, अगर आप चाहते हो कि डिसअपॉइंट ना हो तो बिल्कुल यूज़ मत करना। एंड वहाँ पे भी सेल्फी कैमरा हल्का सा बेटर परफॉर्म करता है, तो मेरे को होप है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ये ठीक कर सकते हैं। अगर मैं इसके कैमरा एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, वीडियो लेते वक्त या फोटो लेते वक्त अपने आप ऐप क्रैशेस हो जाता है, मतलब आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा एप्लीकेशन को। एंड सेकेंड चीज़, लैक ऑफ डिटेल्स, मतलब किसी चीज़ों को ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताया नहीं गया। जैसे अगर आप स्लो मोशन पर जाओगे, यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल नहीं पता लगेगा कि ये 720p पे शूट हो रहा है, 1080p पे शूट हो रहा है, 120 फ्रेम्स पे शूट हो रहा है या फिर 240 फ्रेम्स पे शूट हो रहा है। तो ये चीज़ें मेरे को हल्का सा फ्रस्ट्रेटिंग लगा, बट ओवरऑल यस, वीडियो कैमरा के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ कोई वीडियो के लिए ये स्मार्टफोन लेना चाहता है तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। अभी तक एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है एंड वो भी सिर्फ और सिर्फ रिव्यू यूनिट्स पे गया, मतलब जो भी रिटेल यूनिट है जिसे आप लोगों ने पैसा दे के खरीदा है, वहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आया। एंड रिव्यूअर्स भी ये कह रहे हैं कि उस अपडेट से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी अगर आपको इसके कैमरा रिव्यू वगैरह देखना है वो सब हमारे चैनल पे, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में उसका भी फोटोज़ वगैरह लिया है। माइक्रोमैक्स इन नोट वन एंड और भी बहुत सारे बजट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन के वीडियोज़ चैनल पर जरूर चेकआउट करना, इसका बैटरी ड्रेन भी शूटिंग पे है तो वो आ जाएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।